1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल चारधाम यात्रा को शुरू करने पर विचार उत्तराखंड सरकार की तरफ से की जा रही हैं तैयारियां। उत्तराखंड सरकार की तरफ से सभी तैयारियां की जा रही है। 20 जून को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल 1 जुलाई से चारधाम यात्रा को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। तैयारियों को अमली जामा पहनाने पर मंथन हुआ। दरअसल उत्तराखंड में 1 जुलाई से चारधाम यात्रा को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में बंद चारधाम यात्रा पिछले कई दिनों से बंद थी। अब चारधाम यात्रा को फिर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार सभी तैयारियों का जायजा लेगी। 20 जून तक सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तैयारियों को अमली जामा पहनाने पर मंथन चल रहा है। 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने पर विचार उत्तराखंड सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही है। 20 जून को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तैयारियों को अमली जामा पहनाने पर मंथन हुआ है। दरअसल आपको जानकारी दे दें, 1 जुलाई से चार धाम यात्रा शुरू करने पर विचार उत्तराखंड सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। 20 जून तक सभी तैयारियों को पूरे करने के निर्देश दे दिए गए हैं। चार धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार की तरफ से शुरू करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कोरोना काल में बंद चल रही चार धाम यात्रा को एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोले जा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से सभी निर्देश दिए गए हैं। 20 जून तक सभी तैयारियां पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। तैयारियों को अमली जामा पहनाने पर भी मंथन हुआ है। कोरोना के बीच यात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उन सभी के देखते हुए पूरी तैयारियां करने के उत्तराखंड सरकार ने निर्देश दिए हैं। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि 20 जून तक सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाए। ये निर्देश उत्तराखंड की सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। तैयारियों को अमली जामा पहनाने पर भी मंथन हुआ है। 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि 20 जून तक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी ये कहा गया है, लेकिन 1 जुलाई से चारधाम यात्रा पर शुरू करने का और विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 20 जून तक सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि श्रद्धालुओं के लिए 20 जून तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। उसके बाद हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ धीरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेंद्र, उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं, तैयारियां कैसे होंगी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है? बिल्कुल सोचा, मैं बता दूं, चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार ने पहले ही तैयारियां जो है अपनी मुकम्मल कर ली थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा आया कि एक केस जो है इंसान हाईकोर्ट में संबंधित संगीन था, उसको देखते हुए सरकार ने तो स्थगित कर दिया था। और आपको बता दूं कि अब 1 जुलाई का समय उन्होंने टाइम तय किया है और 20 जून तक सारी तैयारियों को मुकम्मल करने का निर्देश उन्होंने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को दिया हुआ है। पहले बोर्ड ने भी आपत्ति जताई थी कि इतने कम समय में सारी व्यवस्थाएं होना मुश्किल है क्योंकि कोविड काल चल रहा है और कोविड के समस्त प्रोटोकॉल पूरे करने हैं। दूर दूर तक चार धाम यात्रा मार्ग है, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज को उपलब्ध कराना है। अब उनको 20 जून तक सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएगी, तो अब 3 दिन ही बचे हैं। अगर आज का दिन भी मेले आज 18 जून है तो 3 दिन के अंदर सरकार ने सभी तैयारियों के पूरा होने का दावा किया है और कहा है कि 1 जुलाई से जो यात्रा है वो अपने समय से शुरू होगी और ये शायद 23 जून को हाईकोर्ट में भी उसका जो स्टेटस रिपोर्ट है वो डालेंगे। उनकी तैयारियां कहाँ तक और किस तरह की पूरी है, न केवल इतना बल्कि हाईकोर्ट एक एक बिंदुओं पे इनसे आज्ञा मांग चुकी है और वो खुद देखेगी उत्तराखंड सरकार ने क्या उचित और प्रॉपर तैयारियां कर ली है जो चारधाम यात्रा के लिए जरूरी है। धीरेंद्र, ये बताइए, कुंभ के दौरान हमने देखा कि किस तरह से कोरोना के केस सामने आ रहे थे, तो तस्वीरें सामने आई, क्या एक बार फिर से कहीं वही तस्वीरें तो सामने नहीं आ जाएंगी? बिल्कुल श्रीका, देखिए तो भविष्य का एक बड़ा सवाल है, सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कोविड काल और कम से कम दूसरी लहर के व्यापक एक जन संहार के बाद आप समझिए इस तरह की यात्रा शुरू हो रही है, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। तो देखने वाली बात होगी क्योंकि न केवल भारत बल्कि देश दुनिया के तमाम जो बड़े वैज्ञानिक है, बड़े जो चिकित्सा विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि तीसरी लहर भी आएगी और पूरा देश तीसरी लहर की डर के साए में जी रहा है और तमाम जो सरकारें हैं वो तीसरी लहर की तैयारियों में जाएगी। ये देखने वाली बात होगी, इसीलिए शायद यात्रा को पूरे देश और प्रदेश के लिए नहीं खोला जा रहा है, स्थानीय स्तर पर खोला जा रहा है। अगर तैयारियां मुकम्मल रही, कोरोना काबू में रहा, तो यात्रा को प्रदेश और देश के लिए भी खोलने की सरकार सोचती है। तो हालात नियंत्रित रहे इसके लिए अब उत्तराखंड सरकार क्या तैयारियां कर रही है? और फिलहाल ये जानकारी दीजिएगा कि साथ में कोरोना के बाद क्या हालात है उत्तराखंड में इस वक्त?
अब बिल्कुल ठोनिका मैं बता दूं, कोरोना उत्तराखंड में काफी नियंत्रण में है। अब केसेस है वो 200 से 300 के बीच ही आ रहे हैं पूरे प्रदेश में, और जो मौत की संख्या है वो अदब के अंदर ही आ रही है। 6-7 ऐसी जो मौतें हैं कोरोना से उत्तर की जा रही है। इस तरह से कह सकते हैं जो पहली लहर के समय का जो आंकड़ा था वो फिर से उसी पे कोरोना का जो आंकड़ा है वो आ गया है। तो फिर से कह सकते हैं कि सरकार इसको काबू करने में काफी सफल रही है, लेकिन जिस तरह से अब भीड़ बढ़ने से इसका संक्रमण बढ़ता है तो सरकार का पूरा प्रयास है कि भीड़ को अचानक न बढ़ने दिया जाए। और उसके पहले सरकार का पूरा फोकस वैक्सीनेशन पे, आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में बहुत तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। और अब तो केंद्र सरकार यानी 21 जून से जब विश्व पूरा विश्व जो है योग दिवस मना रहा होगा तो पूरे भारत में वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो भारत सरकार के हाथ में आ चुकी होगी, और उसका भारत सरकार अपने अपने ढंग से अपनी स्पीड से उसको शुरू करेगी। तो कह सकते हैं कि कोविड अभी नियंत्रण में है और स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी, धीरे धीरे शायद ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाए, लेकिन सरकार इसको लेकर के कोई रिस्क भूमिका लेने की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप देखिए जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है, कुछ छूट करके ऐसे उसको खोला जा रहा है, और अचानक भी खोला जा रहा है। सिर्फ उसका एक उद्देश्य है भीड़ न बढ़े और लोग सावधान रहे, जो आशंका है वो निर्मूल। फिलहाल आपका